रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द सिस्टम शोन इज, हमको यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, दो मासेस स्प्रिंग बैलेंस से हैंग कर रहे हैं। सबसे पहले FBD बना लो, 10 kg वाले की FBD, ऊपर की तरफ टी टेंशन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, नीचे की तरफ MG फोर्स 100 न्यूटन। ये 20 kg है तो ही मैं मान लेता हूँ ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सिमिलरली इसकी FBD बना लेते हैं, इसमें भी सेम टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे 200 न्यूटन फोर्स और एक्सेलरेशन भी नीचे। इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 10 kg के लिए, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि है T-100, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो T-100 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसके लिए नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो 200 माइनस टी मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, माइनस टी टी कैंसिल हो जाएगा, 200 माइनस 100 100 रह जाएगा, 20A 10A 30A हो जाएगा, 30 को नीचे ले जाएंगे, ए आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो हो जाएगी इक्वेशन, 100 को वहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन, टी इक्वल्स टू 100 प्लस 10 इंटू 10/3। सॉल्व करने पे 100/3 हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी 400/3, और जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है वो होती है T/G। तो जो भी टी आ रहा है उसको जी से डिवाइड कर दो, 40/3, और रीडिंग जो आएगी वो केजीज में आएगी, तो आंसर हो जाएगा 40/3 केजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।